मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर में फायरसाइड वेंचर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेचकर 4,500% का मुनाफा कमाया है। आईपीओ के ड्राफ्ट के मुताबिक फायरसाइड वेंचर्स ने मामा अर्थ के शेयर 7.33 रुपए के भाव पर खरीदे थे। आईपीओ जब आया था तो फायरसाइड वेंचर्स ने ऑफर फॉर सेल में 324 रुपए के भाव पे 69 लाख शेयर बेचे थे। इसके बाद आज इसने संभवतः ब्लॉक डील के जरिए 352 रुपए के भाव पे 62.9 लाख शेयरों की बिक्री की है। इस बिकवाली के बाद अब वेंचर कैपिटल फर्म की मामा अर्थ में 5.5% हिस्सेदारी है, यानी कि इसके पास 1.81 करोड़ से ज्यादा शेयर हैं। फायरसाइड ने मामा अर्थ के शेयरों को बेचकर तगड़ा मुनाफा कमाया है। ऐसे में ये सवाल है कि क्या इसमें अभी और ब्लॉक डील हो सकती है। सेबी के नियमों के मुताबिक लिस्टिंग के बाद कुछ समय तक भारी ब्लॉक डील के चांस नहीं होते हैं, लेकिन फिर फायरसाइड ने शेयर कैसे बेचा? इसका जवाब है कि सेबी ICDR रेगुलेशन 17 के मुताबिक कैटेगरी 1 के अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को 6 महीने के लॉक इन पीरियड से छूट है, जिनके पास प्री ऑफर शेयर कैपिटल का 20% से कम हिस्सा है। फायरसाइड वेंचर्स फंड और स्टेलरिस वेंचर्स पार्टनर्स इसी कैटेगरी में हैं। अगर हम आज की बिक्री छोड़ दें तो दोनों को मिलाकर मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी में इनकी कुल हिस्सेदारी 13.3% है। नोवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के हेड अभिलाष पगारिया के मुताबिक इसका शेयरों पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि प्रमुख होल्डर्स के ऊपर लॉक इन नहीं लगा है। इसके अलावा एम्प्लॉइज कोटे के शेयरों पर भी कोई लॉक इन नहीं है। वहीं प्रमोटर्स की बात करें तो उनके लिए 18 महीने का लॉक इन पीरियड है। इसके अलावा सिकोया कैपिटल, सोफिना वेंचर्स, SCI इन्वेस्टमेंट या पीक पार्टनर्स पर 6 महीने का लॉक इन है। सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2 गुना होकर 30 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। वहीं रेवेन्यू सालाना आधार पे 21% बढ़ा है। वॉल्यूम ग्रोथ 27% रही है। रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने 530 रुपए का टारगेट प्राइस फिक्स किया है। जेफरीज के मुताबिक अगले 3 साल में होनासा 27% की दर से बढ़ेगा। हालांकि इसमें निवेश से जुड़े अहम रिस्क की बात करें तो भारी कंपटीशन, अग्रेसिव M&A और नए ब्रांड्स की तेजी से जुड़े रिस्क शामिल हैं।